अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दुआ है मेरी जहाँ रहें आप खैरियत से रहें, खुश रहें। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आमले का सालन, और इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं वो ये हैं। सिनेमन लिया है 1 पिंच, ब्लैक पेपर, टर्मेरिक पाउडर और चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 टीस्पून, साल्ट लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून और क्यूमन सीड लिया है 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ता 1/2, सौंफ ली है 1 टीस्पून, हशहाश लिया है 2 टेबलस्पून, रेड ली है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून अनियन पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, ड्राई नट्स लिए हैं 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून लिया है टमाटो पेस्ट। 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं आमले, इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोक किया है। अब मैं इनमें से गुठलियाँ निकाल कर इनका पेस्ट बना लूँगी और इस पानी को भी मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसको मैं सालन में शामिल कर लूँगी। ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर पेस्ट डालकर इसे लाइट ब्राउन करूँगी। मसाला जो है मेरा लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटो पेस्ट और इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। अब मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें सौंफ पाउडर, हशहाश पाउडर और रेड पाउडर जो है वो शामिल करूंगी। इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले ना। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आमला पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें नट्स पाउडर शामिल करूंगी और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। मसाला जो है वो भून गया है, अब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी आमला वाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 ग्लास सिंपल वाटर ऐड करूंगी और इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसे कवर करूंगी। आप
आफ्टर 15 मिनट शोरबा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें शामिल किया है कुछ सब्ज़ धनिया कटा हुआ। शोरबा मैंने बिल्कुल दरमियाना सा रखा है, ना ही मैंने ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला। टेस्ट के लिहाज से ये सालन थोड़ा सा तुर्श होता है, इसको रोटी नान और चावल के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, अब मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूंगी और सालन को अब मैं डिश आउट करूंगी। देखें देखने में ये कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।